कहते हैं हम एंथ्रोपोलॉजी, क्या कहते हैं अब एंथ्रोपोलॉजी के हम जब स्टडी करते हैं, जब ह्यूमन बींग्स अपनी स्टडी करते हैं तो उसमें एक बड़ा मेन टॉपिक होता है जो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, राइट फ्रॉम द स्मॉल क्लासेस टू लेके हाई क्लासेस तक आपको बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, वो है पर्सनल हेल्थ एंड हाइजीन। पर्सनल हेल्थ एंड हाइजीन ठीक है, और भी बहुत डोवरी सिस्टम हो गया ठीक है, आपकी पर्सनल हेल्थ को लेके हो गया, आपकी हाइजीन को लेके हो गया, आपके सराउंडिंग्स को लेके हो गया, एनवायरनमेंट के बहुत सारे इश्यूज हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग का इशू है, जैसे हमारा ग्रीन हाउस गैसेस का इशू है ना, कुछ हम टॉपिक्स ये साइंस के सब्जेक्ट्स में कवर करते हैं, जैसे हमारा जो साइंस की बुकलेट्स हैं, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हो गया ठीक है, जुडिशियल यूज ऑफ वाटर हो गया, री जो हमारे फादर नेशन है महात्मा गांधी जी, उनका मेन मोटिव था उससे नॉन वायलेंस है ना, तो ये सारा सप्ताह जो है ये कहीं ना कहीं उनको एज ए डिवोट करने के लिए स्वच्छ पखवाड़े के नाम से वो एक प्रोग्राम चल रहा है हमारा डी एस सी जी की तरफ से, डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू की तरफ से, कि स्वच्छ पखवाड़े के तहत आपने डिफरेंट 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 कंपोनेंट्स पे बात करनी है बच्चों के साथ। तो आज जो मेरा कंपोनेंट जिसपे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो है हेल्थ जो शॉर्ट टर्म के लिए होती है इंसान के अंदर ठीक है, जैसे ठीक है, क्योंकि अगर आप वो खाओगे तो बीमार हो जाओगे है ना, तो अगर लेट अस सपोज कोई ऐसी चीज आप बार बार कंज्यूम कर रहे हो जैसे मोमोज हो गए या नूडल्स हो गए, तो वो पर्टिकुलरली क्या करेंगे, आपके स्टोमक की एलिमेंट्स हो जाएंगे, आपके स्टोमक में बहुत प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, बड़ी सारी बीमारियां हो जाती हैं स्टोमक की, जिसके बाद फिर कई बार हमने सुना था पिछले दिनों में कि भाई एक जो लड़का था वो पर्टिकुलरली मैदे की चीजें ज्यादा खाता था, मैदे की बनी हुई चीजें ज्यादा खाता था, तो उसके स्टोमक में क्या हो गया अल्सर, दूसरी बात पे आते हैं जैसे टॉयलेट्स पे ठीक है, अब हमें टॉयलेट को पता है कि आज के दौर में हर बंदे के हर इंसान के घर में टॉयलेट्स हैं, लेकिन अब एक मुहिम चली थी जिसमें गवर्नमेंट ने क्या किया था, टॉयलेट्स बनाने का काम शुरू किया, अब उसमें क्या होता है, देखो टॉयलेट्स क्यों बनाई जाती है, बेसिकली जो ज्यादातर लोग होते हैं गाँव के लोग होते हैं या जो बाहर से इमिग्रेंट्स होते हैं, बाहर से इमिग्रेंट जो हमारे यहाँ पे आते हैं वो क्या करते हैं कि दरिया के किनारे जाके बैठ जाते हैं, बात सच है, चाहे आप इसको डिनाई करो ना, सोचो या नहीं सोचो, अब पहले क्या होता था, पहले गांव में लोगों में पीएससी वगैरह हेल्थ सेंटर्स नहीं होते थे, नहीं होते थे, तो पहले लोग कम बीमार पड़ते थे, क्यों, क्योंकि उनको इन चीजों की समझ होती थी, अब देखा जाए तो आज अगर एक जगह पे ओवर क्राउडेडनेस है या कहीं पे आप देखो तो हर एक शहर में हर एक सिटी में हर एक गाँव में आज एक हेल्थ सेंटर बनाया गया, हेल्थ सेंटर इसलिए अगर हमारे खुद ही खड़ा रहे, आज भी अगर कहीं पे जाओ तो आप देखो कि वहाँ पे जो रिजर्वाइज बने होते हैं, आज कल कहीं बड़े सारे इनिशिएटिव्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, जैसे पुनीत सागर अभियान, एनसीसी के जो बच्चे हैं उनको पता पुनीत सागर अभियान क्या है ठीक है, क्लीनिंग ऑफ वाटर बॉडीज है, पानी पानी को साफ रखना, उसके बाद अवेयरनेस रैलीज होती है, बहुत सारी अवेयरनेस रैली होती है, जैसे जल शक्ति डिपार्टमेंट जो हमारा पानी का पीएचई डिपार्टमेंट है जिसको पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग सर्विसेज कहते हैं, वो क्या करते हैं कि जल शक्ति डिपार्टमेंट क्या करता है, बड़े सारे बैनर्स बना के रैलीज निकालते हैं, जैसे पिट्स बने होते हैं उन पिट्स में क्या होता है पानी इकट्ठा हो जाता है, जब पानी इकट्ठा हो जाता है तो हम उस पानी को निकालते नहीं है, या अपने घरों में आपके जैसे पॉट्स है तो टूटा हुआ कोई पुराना पॉट है उसमें पानी इकट्ठा हो गया, कोई घर में पतीली पड़ी हुई है या पतीला पड़ा हुआ है या कोई ढक्कन पड़ा हुआ है ना, कोई डब्बा पड़ा हुआ है पुराना, तो वो या बाल्टी पड़ी हुई है आपने उसको वहीं पे रखा हुआ है उसमें पानी इकट्ठा हो गया, रेन वाटर इकट्ठा हो गया, तो पानी इकट्ठा हो गया तो उसमें छोटे छोटे लार्वास पैदा हो जाते हैं, अगर आपका चलेगा कि ये मिनरल जो है इस पानी में ज्यादा है, तो हो सकता है वो मिनरल आपको आपकी बॉडी को सूट ना कर रहा हो, ज्यादा वो एक्सेस हो, जैसे पानी में हम कहते हैं कई बार आयरन ज्यादा है, तो हो सकता है आपकी बॉडी को आयरन की जरूरत ना हो, उतनी जरूरत ना हो जितना उसमें है, हो सकता है वो वाटर ज्यादा एसिडिक हो उसमें कोई ज्यादा साल्ट घुला हो सकता है वो उस वाटर में कोई ऐसा एसिड हो जो आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचा रहा है, अब वो पानी लगातार पीने की वजह से क्या होता है, एक होता था कि इंसान के अंदर बीमारी बड़ी बन जाती है, जब बीमारी बड़ी बन जाती है तो उसका कोई इलाज नहीं हो सकता, प्लास्टिक से बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं, प्लास्टिक एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कभी भी कंज्यूमेबल नहीं होता, वो चाहे सदियों भर आप छोड़ के रखो एक ग्राउंड के नीचे दबा के रखोगे 10 साल के बाद या 15 साल के बाद निकालोगे वहां से प्लास्टिक निकलेगा ही, तो आप प्लास्टिक को
आज से कह दो कि हमने प्लास्टिक यूज नहीं करना। बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोटोकॉल्स होते हैं, बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो इस तहत कहती हैं कि भाई प्लास्टिक को इस्तेमाल मत करो, लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते हैं, प्लास्टिक के लिफाफे जो अपने घरों में लाते हैं जब कंज्यूम कर देते हैं थ्रो कर देते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल आती है, सॉफ्ट ड्रिंक्स की बोतल आती है, तो हम क्या करते हैं, पीने के बाद छोड़ देते हैं, फेंक देते हैं। जब वो नहीं काम आती है उसको क्या करते हैं, कहीं आगे पीछे रख देते हैं। आगे पीछे रखने से अच्छा यही है कि आप उसको कलेक्ट करो, इकट्ठा करो, कहीं पे भी रास्ते में दिखता क्या हो गया, प्लास्टिक की बोतल उठाओ, बैग में डाल दो, बैग में डाल के घर में एक लिफाफा रख दो या एक बड़े सी आप तोड़ा रख दो या बोरी रख दो, उसमें डाल दो, उसमें डाल के इकट्ठा करके जैसे वो स्क्रैप पिकर्स आते हैं, स्क्रैप पिकर्स का सर जो कबाड़ के जो कबाड़ इकट्ठा करने के लिए आते हैं उनको दे दो। अब वो प्लास्टिक क्या होता है, वापस फैक्ट्रीज में जाता है। यस सर, वो प्लास्टिक वापस फैक्ट्रीज में जाता है, वहां से वो क्या किस में होता है, वो जैसे आपकी ये ब्लैक टॉपिंग है, आपकी अभी रोड पड़ी है ना स्कूल के नीचे, यस सर, लुक इस रोड पे फिर वो इस्तेमाल करते हैं, लुक बनाते हैं उसकी, या तारकोल या मिक्स करके, या उसके घर उसका इस्तेमाल प्लास्टिक की चेयर्स बनाने में होता है, और भी बड़े सारे प्लास्टिक के टेबल्स बनते हैं। तो आप देखो, अगर आप लेट अस सपोज करके कोशिश करोगे, आप ये सोचोगे कि अगर हम मतलब 30 दिन में 30 बोतल प्लास्टिक की इकट्ठी करके कहीं ना कहीं किसी स्क्रैप पिकर को देंगे, तो आप कितना भला कर रहे हो, अपना नहीं कर रहे हो, आने वाली फ्यूचर जनरेशन का कर रहे हो, क्योंकि हमने जितना करना था और आपका काम है इस चीज को समझना, yes, sir. अपनी पर्सनल हेल्थ को समझना, अपनी हाइजीन को समझना, अपनी बॉडी की ग्रोथ को समझना, अपनी बॉडी की डेवलपमेंट को समझना। देखो कि इंसान के अंदर किसी चीज की कमी हो जाती है ना, तो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखता है, प्रिस्क्रिप्शन में क्या लिखता है, टेबलेट्स देता है, उस टेबलेट्स में पर्टिकुलरली एक साल्ट होता है, वो साल्ट आपकी बॉडी में कम होता है, इस वजह से वो आपको साल्ट लिख के देता है कि ये साल्ट आप खाओ। एक चीज, दूसरी चीज जो मैं आपसे बात करना चाहता था, ये 7th क्लास की टेक्स्ट बुकलेट है, सोशल इनिशिएटिव्स कॉपरेटिव। पहला निशान जो है टर्न लेफ्ट हेड, जब भी आप रास्ते में जाओगे तो एक साइन लगा होगा लेफ्ट साइड, अगर उसने दिया होगा निशान, इसका मतलब ये है कि आप रोड जो है वो टर्न हो रही है, रोड किस तरफ जा रही है, लेफ्ट, तो आपने लेफ्ट मुड़ना है, ठीक है। नेक्स्ट इज नो लेफ्ट टर्न, जब यही ग्रीन का निशान रेड कलर का हो जाएगा उसमें क्रॉस आ जाएगा, तो